ये एक बेटी है जो अपने पिता को बता रही है कि पापा अब मैं बड़ी हो गई, जो मतलब ये मेरे घर से ही रिलेटेड है तो उनके लिए है। आओ एक बात बताती हूँ मेरे दी के कुछ हसीन पल यूँ गिनवाती हूँ। आओ एक बात बताती हूँ मेरे दी के कुछ हसीन पल यूँ गिनवाती हूँ। पापा की परी कहते कहते अब शेरनी बतलाती हूँ। आओ एक बात बताती हूँ अपनी दी के कुछ हसीन पल यूँ गिनवाती हूँ। छोटी सी थी तब हर बात मनवाती थी अब वो सब पल याद कर रो जाती हूँ। हर पल याद कर रो जाती हूँ पापा की गुड़िया अब बड़ी हो गई, अब हर जगह यहीं बतलाती हूँ। पापा की शाम की गाड़ी की आवाज़ सुनकर दौड़ते दौड़ते उनके पास जाती थी। अब वो दूर से ही मुस्काती है। पापा की गुड़िया अब बड़ी हो गई, अब हर जगह यही कहलवाती है। एक छोटी सी चोट पर पूरा घर सर पर उठाने वाली अब अपनी बड़ी बड़ी चोटों को छुपा ले जाती है। बचपन में गुड़िया अब समझदार नज़र आती है। सब पर चिल्लाने और डांटने वाली अब सबके तानों को चुपचाप सुन जाती है। अब पापा की गुड़िया बड़ी नज़र आती है। जो पिता अपनी परी का चेहरा देखकर बता देते बिटिया खुश है या दुखी ये तुरंत पहचान जाते थे। अब वो गुड़िया दूर से ही अपने पिता को पहचान जाती है। पिता खुश है परेशान उनकी माथों के लकीरों से ही जान जाती है। अब वो नन्ही सी परी बड़ी हो गई यही बात सुनाई आती है। पिता भी हैरान है कि मेरी बिटिया कब हो गई इतनी बड़ी। कल जो गुड़िया बिना सोचे समझे बोलती थी अब वो समझदारी वाली बातें करती है। बिना सोचे समझे डिमांड करने वाली वो बेटी अब हालात को देखकर चलती है। पापा की बिटिया कब हो गई इतनी बड़ी, अब हर जगह यही बात चलती है। तो ये एक कुछ लाइनें थीं जो मैंने लिखी थी। आज दिल को बहुत सुकून आया है कोई अपना है जो हमें देखने आया है। शायद याद आ रही हो हमारी या ये गली इनमें बिताए हुए पल इसलिए हमारे घर का वो दीदार करने आया है। शायद याद आ रहे होंगे हम इसलिए कोई है जो हमें देखने आया है। आज मेरे दिल को बहुत सुकून आया है।